सुंदर नीतीश राणे कुत्ते तेरे पिछवाड़े में कितना दम है देखते हैं। आ तू हमारी मस्जिदों में। इंसान की सुनने की सीमा होती है, समझा? तू हम लोगों को बोलता है चल ठीक है, तू हमारे अल्लाह और रसूल को बोलेगा और तू बहुत आराम से सुकून से रहेगा। अबे कुत्ते सुन, तेरे पिछवाड़े में अगर दम है ना तो आ हमारी मस्जिद में, समझा? तू कोई पॉलिटिक्स में आके दूध बेच के पैसा नहीं कमाया है तू, समझा? तुम लोग ने पॉलिटिक्स में आके जिस धरती माँ को भारत माता बोलता है उस भारत माता को लोच के तुम लोग ने पैसे कमाए, समझा क्या? तू हम लोगों को सिखाएगा? अबे तेरे ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे तेरे और तेरी फैमिली के ऊपर नहीं पड़े, तुम लोग ऐसे विवादित बयान देकर लोगों का जहन भटकाते हैं, समझा क्या? नहीं, तुम लोगों की औकात क्या है 1990 में हमको मालूम है, समझा? ये विवादित बयान देकर तू हमारे मुसलमान हिंदू मुस्लिम करेगा और हम लोगों को तो आपस में भिड़ा के तुम लोगों का माइंड डाइवर्ट करेंगे कि तुम लोग बहुत अच्छे आदमी लोग हैं, तुम लोग हिंदुत्व के बहुत ठेकेदार है। अबे तुम लोग ने जिस भारत माता को बोला है उस भारत माता को नोच के तुम लोग ने पैसे कमाए, तुम लोग ने कोई दूध बेच के पैसे नहीं कमाया, समझा? और तू कौन सा निप्पल लेता है रे, कौन सी कंपनी का निप्पल लेता है? हाँ तेरे जबान में बहुत भाई, इतनी मोटी हो गई कि तू कुछ भी बोलेगा हम लोग के लिए। अरे तू जो तेरे अंदर दम है ना तू आके दिखा, समझा? लोगों के बीच में आके भड़काऊ भाषण देके हिंदू मुस्लिम करेगा, हम लोग भी सुनते, चलो हम लोग के हिंदू बहुत दोस्त लोग है, समझा गया? नहीं तुम लोग ने भी है ना पॉलिटिक्स में मुसलमान की उंगली पकड़ के आगे बढ़ाए, समझा गया? नहीं मुसलमानों को साथ में लिया पहले और आजकल अभी तुम लोगों को डर है कि कहीं तुम लोगों के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सीबीआई ईडी की, तो तुम लोग ने क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम का भाषण देना चालू करके लोगों का माइंड डाइवर्ट करके सरकार को किसी और मुद्दे की तरफ घुमा दिया तुम लोग ने। इज्जत में रहे, अपनी औकात में रहे। अगर तू जिस भाषण देने के लिए जाता है, किस सभा में जाता है ना, कोई भी एक छोटा सा बच्चा तेरे मुंह पे थूक देना तो तेरे को तेरी औकात समझ में आ जाएगी। और आजकल तो मीडिया कवर करते ही रहती है, तेरे मुंह पर कोई भी एक बार थूकेगा और तू क्या है वो पूरा दिन देखता रहेगा, उसके बाद भी देखता रहेगा और जिंदगी भर तू सोचता रहेगा कि तेरे मुंह पे किसी ने थूका या किसी ने तेरे मुंह पे एक चमाट दिया। अबे औकात में रह के बात कर, समझा? तेरी औकात है क्या? तेरे अपने आप को देखा कि बटले कितना नाटा है तू? तेरी औकात देखा है तू? तू कितने का कितना अंदर है और कितना बाहर है? बस कर बोलना। अभी इसके बाद अगर तू बोलेगा ना तेरा सुकून हराम हो जाएगा और हम लोग ऐसी वीडियो अभी तेरे लिए बनाना चालू करेंगे। और तेरी है ना फिचवाड़े में कितना दम है ना, तुला बगैता है क्या? हमी का करू शकता? हाँ कशाला तू मुसलमान बोलता है, खोटा खोटा बोलता है तू? तू नेता बनता है ना, नेता नेतागिरी कर, देश के लिए काम कर, समझा? वो देश का जो ठेका मिलता है ना उसमें से नोच के जो तुम लोग खाते हैं ना, जरा रास्ता सड़के तेरा एरिया जिस एरिया में रहता है ना, जिस एरिया से तू चुनकर आता है ना, उस एरिया को सुधार, उस एरिया में अच्छा काम कर, तेरा नाम होएगा। तू ये हिंदू मुस्लिम लड़ा के तू लोगों को माइंड डाइवर्ट करके कुछ भी बोलेगा ना, ये अच्छी बात नहीं है, समझा क्या? नहीं अभी तू बहुत बच्चा है, तेरी उम्र ही नहीं है, दूध के दांत तेरे नहीं निकले है, तू बोलने के जरा लिमिट बना ले तेरी। कुछ भी जबान में आएगा तू बोलेगा ना, ये अच्छी बात नहीं है। एमएलए बना है तो देश के लिए काम कर, जिस एरिया में तू जीत कर आए ना उसका कुछ करके दिखा, समझ में आएगा। एरिया की हालत तो खस्ता करके छोड़े और तुम लोग साले ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। भाई लोग इसके बारे में वीडियो बनाना चालू करो और ऐसे जो भी बोलेगा ना तो उसको पलटा के जवाब दो। हम सुन सुनकर एक सुनने की एक सीमा होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।